ऑल द मेंबर्स आर नॉट क्लियर, कुछ क्लियर हैं? कैसे बोलूंगा, मिस्टर पी इज द मेंबर ऑफ स्पोर्ट क्लब, मिस्टर पी इज द मेंबर ऑफ स्पोर्ट क्लब, चलो पी इज द मेंबर ऑफ स्पोर्ट, मिस्टर पी प्लेज स्पोर्ट, मिस्टर पी इज रिच। देखो बेटा, स्पोर्ट क्लब का मेंबर होने का मतलब यह नहीं है कि वो स्पोर्ट खेलेगा। किसी चीज का मेंबर होने का मतलब यह नहीं है कि वो स्पोर्ट्स खेलेगा। तो स्पोर्ट खेलना नहीं खेलना अभी हम नहीं बोल सकते, स्पोर्ट्स खेलना नहीं खेलना के बारे में हम नहीं बोल सकते। लेकिन मिस्टर पी मेंबर है तो वो रिच तो है, क्योंकि सारे मेंबर रिच है, इसलिए सारे भाई सारे मेंबर रिच है तो मिस्टर पी रिच तो है, ये तो पक्का है। लेकिन वो स्पोर्ट खेलेगा नहीं खेलेगा उससे हमें थोड़ी मतलब है। आपसे कब बोला कि स्पोर्ट क्लब के मेंबर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? सारे मेंबर है, स्पोर्ट्स खेल रहे नहीं खेल रहे वो हमें पता नहीं। क्लियर? चलिए, और इसके बाद 17 ऑल एनवलप आर अम्ब्रेला, ऑल एनवलप आर अम्ब्रेला, ऑल अम्ब्रेलास आर चौक, ऑल अम्ब्रेलास आर चौक, ये बन गया, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। अब पहला बोल रहा है कि सम चौक्स आर एनवलप, सम चौक्स आर एनवलप, बिल्कुल सही है बेटा, सम चौक्स आर एनवलप, सम अम्ब्रेलास आर नॉट एनवलप्स। अब बेटा मैंने तुम्हें कोई एक चीज बोली थी बेटा, एक चीज समझना, यदि कोई पे भी अफर्मेटिव आता है तो आपका नेगेटिव आंसर नहीं जाएगा कभी, यदि अफर्मेटिव आता है तो नेगेटिव आंसर नहीं जाएगा। Yes, sir. अभी नेगेटिव के लिए बोल रहा है कि कुछ कुछ अम्ब्रेला आपके एनवलप नहीं है, तो नहीं की तो हमने बात करी नहीं, सारे अफर्मेटिव है, तो सेकंड वाला आंसर इसलिए नहीं जाएगा बेटा, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा, और सम चौक सारे एनवलप। Okay. यदि आपके दोनों स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो नेगेटिव का कोई काम नहीं है, आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं जा सकता, आंसर नेगेटिव कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है? यस सर। तो मतलब इस क्वेश्चन में ना दो दो केस बनाना जरूरी नहीं है ना? नहीं भाई, जितना बनेगा उतना ही बनेगा ना, इसमें तो दो केस क्यों बनेंगे, इसमें तो एक ही बनाओ। जैसे एक क्वेश्चन था आपने ना क्लास में करवाया था, सम टेबल्स आर टीवी एंड सम टीवी आर रेडियोस, एक मिनट, सम टेबल आर टीवी, सम टेबल आर टीवी एंड सम टीवी आर रेडियो, रेडियो, तो बेटा इसमें तो दो केस बने, ये दो केस बने, इसमें तो बनेंगे दो केस, ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट डीपीबी, नेक्स्ट डीपीपी, चलिए स्लोज में बुक के क्वेश्चन, बुक बेटा मॉड्यूल की एक्सरसाइज, बोलिए मॉड्यूल की एक्सरसाइज के डाउट्स 13 है, मॉड्यूल की एक्सरसाइज के डाउट्स 13 है, 18 20 2 18 20 2 18 20। इसके अलावा सर एक बार अफर्मेटिव का मतलब बता दो, अफर्मेटिव का मतलब होता है ऑल और सम, जैसा आ गया सम टीवी आर रेडियो या ऑल टीवी आर रेडियो, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव की बात नहीं इसमें, अफर्मेटिव का मतलब है। और नेक्स्ट सेवन, नहीं नहीं आप ये बोलो 2 7 क्वेश्चन नंबर 17 20। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो बेटा डाउट, 2 7 18 20
17 17 यस सर 17 एक्टर्स लिख रहा है तो ऑल एक्टर मानेंगे बेटा जो या तो लिख दे मेरे को आवाज नहीं आ रही क्या बोल रही है तू 17 इसके बाद और कोई डाउट चालू करना है चलो पहले इनको देख लो फिर बाद में पूछना जिसको भी तो संडे से मैंने क्या बोला आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास दोनों रहेगी उसमें हम यही डिस्कस करेंगे किसको क्या क्या दिक्कत आ रही जिसको दिक्कत आ रही प्लीज एक बार कैसे भी करके मुझसे मिलिए एक बार मिल लो मुझसे ताकि मैं आपको पूरा बता दूंगा कि किस तरह से हमें कैसे करना है और कम से कम ऐसे चैप्टर तो कर ही लेंगे जिससे हमें काम चल जाएगा हमारा ठीक है ना लेकिन मिल लेना बेटा एक बार सेकेंड डे को No man is a lion. No man is a lion. Ram is a man. Ram is a man. No man is a lion. And Ram is a man. Ram is not a lion. बिल्कुल सही है. All men are not Ram. All men are not wrong. तो इसमें दिक्कत क्या आई बेटा आंसर क्या दे रखा है सर ए आंसर दे रखा है तो बेटा मैं तो सही तो है इसमें क्या दिक्कत है सर बी वाला भी तो सही है ना क्यों आपसे कब बोला कि ऑल मैन राम है कि नहीं है हो सकता है कि राम ही मैन हो अच्छा ठीक है हाँ मैंने कब मना किया मैंने कब बोला कि सारे राम मतलब हमने कब मना किया कि सिर्फ राम एक ही मैन है और भी मैन है भाई जब तक हमें कुछ बोला नहीं गया है तो हम तो मानेंगे कि ये भी कैसे हो सकता है भाई ये भी तो कैसे हो सकता है राम इज़ द मैन चलो राम ही मैन है भाई सही तो यही है राम इज ए मैन भला राम ही मैन है ठीक है यस सर चलिए टू के बाद क्या बोला था 17 बोला था उससे पहले भी कोई था चलो पहले 17 बता दूं सर 17 बोला था मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर्स All directors are dancers. आप तो ये पूरा मान लो All directors are dancers. Some actors are dancers. Some actors are dancers. बिल्कुल सही है. No director is an actor. No director is an actor. क्या दिक्कत है इसमें भी? सही तो है something का है. भाई उसने बोला ना some है ना नो डायरेक्टर इज ये बोल रहा है नो डायरेक्टर इज एन एक्टर तो बेटा उसने बोला तो है पहले वाले स्टेटमेंट में मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर तो ये आपका सेकंड वाला कैसे गलत सही होगा जब पहले वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर है और आपका कंक्लूजन बोल रहा है कोई भी डायरेक्टर एक्टर नहीं है वो तो है तो सेकेंड वाला तो वैसे ही गलत हो गया ना बेटा गुनगुन यस क्या कर क्या दिक्कत आ रही है बोलो मेरे को मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ वापस से बता दो हैं वापस से बता दो भाई उसने बोला है कि मैनी एक्टर्स आर डायरेक्टर बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर है और कंक्लूजन बोल रहा है नो डायरेक्टर इज एन एक्टर तो पॉसिबल कैसे जब बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर है बहुत सारे एक्टर डायरेक्टर है तो वो तो मना कर रहा है कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर नहीं है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है नजर आ गया ठीक है यस सर ओनली डॉग्स आर एनिमल ओनली डॉग्स आर एनिमल आप तो ऐसे मतलब ओनली डॉग्स आर एनिमल चलो ऐसे मतलब नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल नो हिस्टोरियन इज एन एनिमल सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन
some historian are not dopes. Some historian are not dopes. बेटा ये गलत दे रखा है, इसका आंसर गलत दे रखा है। इसका तो आंसर नन ऑफ दी जाएगा, इसका तो आंसर नन ऑफ दी जाएगा, डी आएगा, गलत दे रहा है क्योंकि उसने बोला सारे डॉग्स एनिमल्स हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स या ओनली डॉग्स आर एनिमल, केवल डॉग ही एनिमल है, मतलब डॉग और एनिमल इक्वल है और कोई भी हिस्टोरियन एनिमल नहीं है। और ये बोला सम डॉग्स आर नॉट हिस्टोरियन, कुछ डॉग्स हिस्टोरियन नहीं है, सारे डॉग हिस्टोरियन नहीं है, कुछ डॉग क्या क्या मतलब, क्लियर? चलिए 18 के बाद क्या बोला था, 18 के बाद 20, सम कप्स आर बेड, सम कप्स आर बेल्ट, नो बेल्ट इज ब्लैक, नो बेल्ट इज ब्लैक, ये दो केस बनेंगे भाई, सम कप्स आर बेल्ट, नो बेल्ट इज ब्लैक। अब आपका है सम कप्स आर ब्लैक, सम कप्स आर नॉट ब्लैक, गड़बड़े मामला, डी आना चाहिए आंसर, सम कप्स आर नॉट ब्लैक। रुको 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 रुको, उसने बोला है कि सम कप्स आर बेड, सम कप्स आर बेल्ट, सम नो बेल्ट इज ब्लैक, नो बेल्ट इज ब्लैक, सम कप्स आर ब्लैक, सम कप्स आर नॉट ब्लैक, सम कप्स आर नॉट ब्लैक। बेटा आंसर बी जाएगा, बी जाएगा, बी सेकेंड ऑप्शन का। उसका रीजन ये है कि उसने बोला, बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या होता है कि उसने बोला है कि कुछ कप ब्लैक नहीं है। हाँ तो कुछ कप ब्लैक नहीं है, है वो अलग बात है, है के बारे में नहीं बोला, लेकिन कुछ कप ब्लैक नहीं है। नहीं, रुको 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 रुको, एक सेकेंड रुको, सम कप्स आर बेल्ट, नो बेल्ट इज ब्लैक, सम कप्स आर ब्लैक, सम कप्स आर ब्लैक, सम कप्स आर नॉट ब्लैक, सम कप्स आर ब्लैक, सम कप्स आर नॉट ब्लैक, बिल्कुल सही है, सेकेंड जाएगा मेरा आंसर, ये वाला जो है ये कभी ब्लैक नहीं हो, जिसमें मैंने मार्क किया है ये कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता, इसलिए आंसर सेकंड जाएगा। ये तो पक्का है कि कुछ कप ब्लैक नहीं है, कौन सा कप ब्लैक नहीं है, जो बेल्ट है, कौन सा कप ब्लैक नहीं है, जो बेल्ट है, तो सम कप्स आर नॉट ब्लैक, ये तो पक्का सही है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा प्रॉब्लम भाई, आप एक चीज समझो, अच्छा इसलिए प्रॉब्लम है ये समझो, आपने बोला कि सम कप्स आर बेल्ट एंड नो बेल्ट इज ब्लैक, तो ब्लैक या तो यहाँ होगा या होगा, लेकिन ये जो कप जो बेल्ट है ये बेल्ट ये कभी भी क्या नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, तो सम कप्स आर नॉट ब्लैक, ये जो कप है ना ये बीच वाले जो है ये कभी ब्लैक नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा बेटा, बी जाएगा। अच्छी प्रॉब्लम है, स्टार लगाना, अच्छी प्रॉब्लम, क्लियर है, समझ में आ गया इसका रीजन?
चलिए इसके बाद डीबीबी में सेवन वन देखो ऑल नेम्स आर डॉग्स ऑल नेम्स आर डॉग नो डॉग्स आर नेम्स सॉरी नो डॉग्स आर फॉक्सेस फॉक्सेस कंक्लूजन ऑल नेम्स आर फॉक्सेस बोला नो डॉग्स आर नो डॉग्स आर नेम्स तो डी नन ऑफ डीज आ रहा है बेटा इसमें क्या दिक्कत आ रही है बेटा बोल गुनगुन नहीं सर वो ऑप्शन तो नहीं आया था डी कैसा क्लियर है यस सर और बोलिए बेटा आज टेस्ट 7:30 कितना 7:45 लिखा ना मैंने आपकी क्लास रहती ना 7:45 तक 7:30 तक रहती है इसलिए मैंने टेस्ट का टाइमिंग 7:45 रखा है प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेस्ट जरूर दीजिए टेस्ट जरूर दो बेटा ड्यूरेशन वही 45 मिनट्स टेस्ट जरूर दो चलिए नेक्स्ट इसमें कोई डीबीबी में कोई डाउट डीपीबी में कोई डाउट इसकी नहीं हो पाता बेटा ये तो करना ही पड़ेगा नहीं हो पाता क्या बेटा वहां पर आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं दो तो स्पीड बढ़ाओ 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं बेटा कैसे होंगे यहाँ तो आपको मैं 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स दे रहा हूँ वहां 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं बेटा कैसे होंगे और आज तो हो जाएंगे आज में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि 10 ही तो क्वेश्चन है जो आपके न्यूमेरिकल है बाकी तो थ्योरेटिकल ही है कैसे होंगे सर मतलब अनीशा क्या बोल रही है हाँ तो कैसे होंगे तो यही तो है जब ही तो स्पीड बढ़ानी है बेटा अरे यार ऐसे होंगे 20 और 40 20 आपके लॉजिकल भी थी और 40 है स्टेट 40 मैथ्स आपकी बस तो 60 क्वेश्चन तो आपके जल्दी जल्दी करने हैं आपको उधर वाले तो हाँ लॉजिकल टाइम लेता प्रैक्टिस की जरूरत है इसलिए हरेक टेस्ट में दे रहा हूँ इसलिए आपको हरेक टेस्ट में दे रहा हूँ हरेक टेस्ट में आपकी फुल रीजनिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि पहला जो राउंड होता है ना जब एग्जाम आपका स्टार्ट है जो भी है पहले राउंड में तो जो जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं उनको करते जाओ उससे क्या होता है कि आपके पीछे के क्वेश्चन छूटने के डर नहीं रहते हो सकता पीछे पड़े इजी क्वेश्चन और आपने छोड़ दिए छूट जाए आपके ऐसा नहीं है एक ही बार में पूरे करना है आपको जैसा पहला राउंड वन जो पहली बार में देखते ही आ जाए राउंड वन जो पहली बार में देखते ही आ जाए वो करना सबको सबको एक बार में करने की ट्राई मत करो ऐसे मत करो कि नहीं मेरे को तो करना ही है ये क्वेश्चन जिसमें टाइम लग रहा है जिसमें लगे कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा पहली बार में छोड़ दो उसको पहली बार में तो वो करो जो 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाए 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाए वो वाला क्वेश्चन करो पहली बार फिर दूसरी बार में फिर जब सेकेंड राउंड आओ ना तब आप उन क्वेश्चन को उठाओ जो आपके रह गए ये और घबराओ मत रहे शुरू के 10 रह गए तो रहने दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जनरली क्या होता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन हार्ड दे देता वो और स्टूडेंट क्या वहीं पर पजल हो जाता है अच्छा शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं आए अरे मेरे को तो 10 ही नहीं आए शुरू के अब आगे कैसे होगा घबराओ मत आगे इजी मिलेंगे तुम 100 क्वेश्चन है बेटा दूसरी बात कुछ लोगों की मैंने अभी कल ही बात हो रही थी किसी से वो भी सुन रहा है बेटा ये मत सोचो कि 40 मार्क्स लाने के लिए आपको 80 का अटेम्प्ट करना पड़ेगा नमन तब जाके 40 मार्क्स आएंगे
50 आएंगे, हमें पास होना ये नहीं है। आप जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे, जितना मैक्सिमम करके आओगे, उतने चांसेस हो सकता है कि तेरे गलत ज्यादा हो गए। तेरे बोला सर मैं तो 50 करके आ जाऊंगा, मेरे तो हो जाएंगे सही। नहीं होता बेटा, मैक्सिमम आपको मेहनत करनी है तब जाके होगा, 40 के भरोसे मत रहो। हाँ कहीं से भी स्टार्ट करो ना, कौन दिक्कत है, कहीं से भी दिक्कत है। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, पहले राउंड में वो क्वेश्चन करो जो पहली बार में आते हैं, बस फिर दूसरे राउंड में करते रहना। ये एलआर से बेटा, एलआर अलग से थोड़ी आती है, अनिसा मिक्स आती है, मिक्स आती है। चलो और कोई डाउट है इसमें, इसमें और कोई डाउट है बेटा? ये उमर के लिए तो यार सर से पूछना, तुम्हारे ये जो भी है मैं पता करके बता दूंगा कि किससे बढ़ते हैं। जैसे या तो पेंसिल या ब्लैक पेन, दोनों में से कुछ है। हाँ ब्लैक पेन से बढ़ते हैं, मुझे भी ऐसा ही याद है, ब्लैक पेन से बढ़ते हैं ये मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं पता करके बता दूं। अब ये पूछना पड़ेगा, ये सर से पूछना तुम्हारे यार, बाकी सब्जेक्ट के लिए मुझे, मैं भी पूछ के बता दूंगा ये। चलिए अब ठीक है, डीपीपी ये तो हो गया आपका, दो चैप्टर और दो हो गए भाई। अब मुझे बताओ सिटिंग अरेंजमेंट करा है नहीं करा? सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट का 22, डीपीपी का ना क्वेश्चन नंबर 17 to 21, क्वेश्चन नंबर 17 to 21। अनीसा एक बार क्वेश्चन बताना, रुक जा एक मिनट लिए, पहले रुक, डायग्राम बता दो। बता रहा हूँ तो डायग्राम बताने पे तो क्वेश्चन ही आ जाएगा ना बेटा। 17 to 21, 17 क्या है बेटा, डायरेक्शंस बोलना उसके, क्या है क्वेश्चन बोल सर। अमा क्या है, एक मिनट, eight persons E F G H I J K L are seated around a square table. रुक जा। Eight person E F G H I J K and L are sitting around a square table. Two on each side, है ना? यही है। There are three lady members, यही है ना? हाँ यही। ठीक। ये कौन सा है? 17 to 17 to 21। बेटा आया, एक सेकेंड काय पे चालू किया जो तेने 934013। चलिए देखो, 8% ई एफ जी एच आर अराउंड है सर्कुलर टेबल, टू ऑन ईच साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। दे आर थ्री लेडी मेंबर्स एंड 5 जेंट्स, दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। J is immediate neighbor of L and N. अभी वैसे बना रहा हूँ भाई, सही कर दूंगा। G is between I and N. H already member is second to the left of J. Is second to the left of J. चीजें सेकेंड चीजें लेडी मेंबर सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एल इज अ मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू ई अ लेडी मेंबर, दे इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई
बचा कौन अब? ई एफ जी एच आई जे के. Who among is the immediate neighbor of E and H? E and H. क्या दिक्कत आ रही है? सही तो बना, ये बन गया. किसने पूछा था बेटा? ये बेटा ये डायग्राम बन गया, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? आंसर्स दे दोगे बाकी के? आंसर्स दे दोगे ना बेटा? ठीक है, चलिए. 22 क्या है बेटा? किसने पूछा था? 22 क्वेश्चन बोलो. 22 क्या है? सिक्स फ्लैट्स ऑन द फ्लोर. ठीक है ठीक है ठीक है. 22, 23, 24, 25 ये तो पूरे एक है ना? यस. क्या बोल रहा? सिक्स फ्लैट्स ऑन द फ्लोर ऑफ टू रोज फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट. देखो एक facing east and west are allotted to QRSTUVW. 1, 2, 3. R gets east side facing. R gets east. Suppose यहाँ बना देता हूँ, अभी बाद में चेंज कर दूंगा बेटा कुछ भी. And north next to P. T and V are diagonally opposite plates. T and V are diagonally opposite plates. S next to V. S next to V get west facing. You get a east facing plate. तो बचा कौन? Q. Q R S T U V. Which of the following combination get west facing plates? West facing plates. क्या दिक्कत आई बेटा? किसने पूछा था? अरे किसने पूछा था? डायग्राम नहीं बन रहा था, अब बन गया क्या बेटा? देख बेटा पक्का. ठीक है, इसके बाद बोलो. बुक सर मॉड्यूल का टोन बुक इसमें नहीं है ना? डीबीपी में तो नहीं है ना? ठीक है, मॉड्यूल का बुक में ही है. ठीक है, मॉड्यूल का कौन सा? 23, 24. इसके अलावा 10, 11. 10, 11, 23, 24 और 10, 11, 23, 24. इसके अलावा लास्ट के दोनों 25 से 27, 25 से 27, 13 से 17. और अट्ठाईस भी बोल रहे हो ना? कोई बोल रहा था ना लास्ट के दोनों 28? चलो देखो दे. नहीं सर 28 नहीं, सॉरी वो वही है, वो 23, 24 और 25 से. इसके अलावा कोई डाउट बेटा? करना स्टार्ट.
सबसे पहले है 10 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी आर इज सिटिंग पहले आर इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट K is sitting next to R. So, K is sitting next to R. V is sitting on the extreme left. T is not sitting next to K. T is not sitting next to K. So T या तो यहाँ है या यहाँ अभी देख लेंगे. S is sitting next to P. K is sitting next to R. Who is sitting on the external? T is not sitting next to K. S is sitting next to P. रुक जाना अभी भाई. मैं अभी conclusion मत निकालूं. L is sitting next to P, K is sitting next to R, who is on the extreme left, T is not sitting next to K, who is adjacent to S, सर के लिए बोला है ना एक्सट्रीम लेफ्ट पे के लिए थोड़ी बोला के लिए तो होगा एक्सट्रीम लेफ्ट वो तो वैसे भी राइट है हाँ हाँ एक्सट्रीम लेफ्ट बोला था ना यार वही तो बोल रहा हूँ ना एक मिनट के सिटिंग नेक्स्ट टू आर वी सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम रुक जाओ S is sitting next to P. S is sitting next to P but not T. S is sitting next to P but not T. K is sitting next to R. Who is on the external? T is not sitting next to K. Who are adjacent to S? ये इसमें कौन बोल रहा है भाई एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बोल रहा है सर के लिए बोला है एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में और ये बोल रहा है S is sitting next to P. S is sitting next to P, but not T. But not T. हाँ सर यही सही है. Who is sitting on the extreme left? अब देखते हैं ना T is not sitting next to K. सही है ये भी. Who are adjacent to S? सर हाँ सर डी तो कैसे भी नहीं आएगा ना क्योंकि पी और टी है लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एस टी के साथ नहीं बैठा हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ ना आंसर ये तो वो तो कैसे भी बना लो तो भी नहीं आ रहा हु आर एडजेसेंट टू एस तो एस के एडजेसेंट तो कौन कौन है आर एंड पी है क्या बोलो बाकी लोग बोलो ना भाई इसमें क्या कर रहे हैं सर आर उधर रखते हैं तो के और पी आता है यदि आर लेफ्ट ये एक्चुअल में ये वाली लाइन का मतलब समझो यार इसमें यही कंफ्यूजन होगा बेटा ये बोल रहा है के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर मेरे हिसाब से तो आर आएगा आर ही रखा था हाँ बेटा ये के कैसे आएगा तो के कैसे बोल रही है गुम गुम सर करवाया था आपने
अरे नहीं बेटा, के सिटिंग वो अलग बात है, उस समय क्या बोला था क्या नहीं बोला, अभी तो ये बात करो। नहीं सर, इसमें दे रखा है कि के तो आर के साथ है, जो कि आपका एक्सट्रीम लेफ्ट है। K is sitting next to R, who is extreme left? K जो है वो next to R है, जो कि आपका extreme left है। पर वो तो दोनों में से कोई आंसर तो जा ही नहीं रहा, कैसे भी बना लो आप। चलो इसको देखते हैं बेटा। हाँ अभी तो मैं भी कंफ्यूज हो गया ना, ये क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको देखते हैं। अरे यार मेरी अगली क्लास का टाइम है, चलो इसको अपन कल कल देखते हैं, मेरा भी टाइम हो गया, कल देखते हैं।